गुजरात का मसाला होता है जो हम गुजरात से ही इंपोर्ट करा रहे हैं। मैंने पाव पहले भी खाया। ऑब्वियसली नया बिकॉज़ दिस फर्स्ट टाइम इन हल्द्वानी। हां इट्स फर्स्ट टाइम इन हल्द्वानी। सिर्फ राजमा चावल, लेकिन ये तो बता राजमा चावल का मन कैसे हो रहा है आज इतना? ऐसे रहते मेरे को पैसे दे, गरीब आदमी, गरीब आदमी हूँ मैं। क्या हुआ, क्या हो गया? अबे क्या हो गया भाई, क्या हुआ, क्या हुआ? कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? Hey YouTube family, welcome to my channel, Anshul Rastogi की vlogs. तो तुम्हारा भाई स्वागत करता है तुम सबका अपने चैनल पे। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले आज लंच करने अपना। हजार मैं लेट उठाऊँ, पता है मैं उठाऊँ 12:30 बजे, बहुत गलत बात है ना ये, बहुत गलत चीज़ है मैं इतना लेट उठाऊँ। लेकिन मुझे पता है क्या हुआ यार, मुझसे उठा ही नहीं गया। बहुत गंदा ना बॉडी पेन भी हो रहा था जिम जाने की वजह से, क्योंकि मैं नया जिम जा रहा हूँ, 4-5 दिन हो रहे हैं, तो थोड़ा ना आलस आ रहा है गंदा वाला। लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं पहले अपना लंच करने। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना अभी की अभी, ठीक है? और सारे ब्लॉग्स एंड तक देखना, लाइक कमेंट शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना। और भाई किसी को कोई भी क्वेश्चन होते हैं शूट से रिलेटेड वगैरह, वो मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है। और अभी भी मेरे पास मनीष भैया का कॉल आया था कि शायद वो मेरे पास आते हैं, तो देखते हैं क्या सीन है। मनीष भैया कह रहे थे कुछ काम है, मुझे नहीं लगता भाई काम होगा, ऐसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मनीष भैया आ रहे हैं तो मिलेंगे उनसे। तो भाई सबसे पहले अपने ब्रेकफास्ट का नंबर, तो तुम्हारा भाई यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट में ले रहा है मिल्क। इसमें अभी 400 ml मिल्क है और इसमें ओट्स पड़े हैं, कॉर्नफ्लेक्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। और मैंने रूम पूरा साफ वाफ कर दिया था एकदम, झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी, पोछा वगैरह भी लगा दिया था, एकदम सारी चीज़ें सेट भाई, एकदम रैप चिक करके, ठीक है, सब कुछ साफ है बिल्कुल एकदम। यहाँ से गिरा हुआ भी उठा के खा सकते हो तुम, इतना साफ है ये। ये देखो भाई क्या दिन है यार, ऐसे ही दिन तो नहीं आए हमारे, चाहिए भी नहीं यार, क्या करना यार, हम बेचारे कैरियर बनाने वाले लोग हैं यार। यहाँ पर एक भाई सिगरेट सप्लाई करते हुए। तो भाई अपना ब्रेकफास्ट, सॉरी अपना ब्रंच तो कर चुका हूँ मैं, मतलब मेरा लंच हो चुका है। मैंने अभी सुना था यहाँ पे ना एक जो नवाबी रोड है, सॉरी नवाबी रोड कह रहा हूँ, कैनाल रोड है, वहाँ पे एक बड़ा पाव करके कुछ खुला है यार, तो देखता हूँ जाके क्या सीन है यार। मुंबई वाली फीलिंग आ जाएगी ना थोड़ी यार, जब मुंबई था तब खाया था बड़ा पाव वगैरह, तब से खाया ही नहीं है। तो भाई इसलिए मैं जा रहा हूँ उस रोड पे, ये वाली रोड पे है नहीं पे। अरे जाओ जाओ भैया जाओ। हाँ देखो ये है ना, ये देखो यहाँ पे, ये अगला स्टेशन जोशी बड़ा पाव। चलो भाई इसी को ट्राई करते हैं आज। भाई तुम्हें पता है जैसे मैंने अभी व्लॉग बंद किया और गाड़ी एकदम बंद की, मेरे आगे से भी गेमर फ्लीट भाई गए भाई, पता है? तो मैंने पहचान लिया था, हैरियर में थे वो, तो गेमर फ्लीट भाई गए अपने अंशु बिष्ट भाई। अगर मैं उतरा हुआ होता तो हाय हेलो हो जाती, बट कोई बात नहीं यार, क्या करना, हम जा रहे हैं मुंबई में बड़ा पाव खाने, मतलब सॉरी अगला स्टेशन जोशी बड़ा पाव। चीज ऑर्डर की है बट मुझे उसका नाम नहीं पता था, जो यहाँ पे ओनर मैम है मैंने उनसे पूछा। हाय मैम। हाय गाइस, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज लेखा जोशी। ओके, तो मैम ये क्या है? ये दाबेली है, ये बहुत फेमस गुजराती डिश है। सो बेसिकली जो आपने वड़ा पाव खाया था वो स्पाइस एरिया में जाता है, उसमें एक वड़ा आता है बन के अंदर, एंड इसमें बन के अंदर एक मैश पोटैटो का स्टफिंग आती है जिसमें हम गुजरात का एक स्पेशल मसाला डालते हैं। तो गुजरात का मसाला होता है इसमें? हाँ, गुजरात का मसाला होता है जो हम गुजरात से ही इम्पोर्ट करा रहे हैं, एंड देन इसको बटर में पूरा टोस्ट किया जाता है, एंड देन यू विल ऑल्सो फाइंड कि हम गार्निश के लिए इसमें पीनट्स यूज करते हैं, एंड देन एक सेव होती है उसे यूज किया जाता है। ये जाएगा आपके स्वीट एंड टैंगी साइड में, बट दिस इज अ वेरी गुड चाट, वी कैन से इट इज अ गुजराती चाट टाइप का फ्लेवर है इसमें। यस, उसमें मुंबई वाला मसाला था वड़ा पाव में। या ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके मैम, नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा। मैंने खाया था ना एक चीज़ वड़ा पाव था, वो ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे, और ये मेरे लिए कुछ नया था। हाँ। तो मैंने पाव पहले भी खाया। ऑब्वियसली नया बिकॉज़ दिस फर्स्ट टाइम इन हल्द्वानी। हाँ, इट्स फर्स्ट टाइम इन हल्द्वानी। हमने फर्स्ट टाइम इन हल्द्वानी। तो कैनाल रोड पे आप देख रहे हो ना जोशी वड़ा पाव, यहाँ पे अगला स्टेशन ये मैम का है यहाँ पे। भाई अब मेरा पेट एकदम फुल हो चुका है बढ़िया वाला, अब मैं बैठूंगा एडिटिंग करने, कुछ काम वाम करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव चीजें निकालते हैं। अरे भैया आराम से चलो यार, बताओ यार, मतलब ये ऑटो वाले ना इतनी गंदी चलाते हैं कि क्या बताऊं मैं, नो वर्ड्स। भाई बाहर इतना ठंडा हो रहा है ना यार, मैं भाई रूम में आ गया अभी, मनीष सर कह रहे हैं आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, घर के काम निपटा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी एडिटिंग निपटाता हूँ, तो चलो जल्दी से बैठते हैं काम करने। हाँ भाई बस जिंदगी में भी इतना उजाला हो जाए ना जितना कंप्यूटर में है, तो मज़ा ही आ जाए। पता नहीं क्या हो गया यार मुझे, भूख लग रही है बार बार।
तो दिव्यांश का मूड हो रहा था कि आज उसे राजमा चावल खाने हैं, तो भाई दिव्यांश को हम लेके आ चुके हैं घर दी बिरयानी पे। राजमा चावल खाएगा आज? हम घर में खाएंगे बिरयानी भाई। नहीं तू तो राजमा चावल खाएगा, लेकिन सिर्फ राजमा चावल। लेकिन ये तो बता राजमा चावल का मन कैसे हो रहा है आज इतना? अंदर आ जाए। नहीं सेटिंग बाहर है, लेकिन अपने लिए स्पेशल वाला ट्रीटमेंट आज। चलो भाई चलो। राजमा चावल एक ही लग रहा है लेकिन ये इसका। दिव्यांश तूने ऑर्डर किया राजमा चावल ना? आप क्या कर रहे हो? मैं वेज बिरयानी ले रहा हूँ। और मनीष सर आप? ये है पनीर। मैं पनीर बिरयानी। पनीर पनीर वाली है? नहीं ये वेज बिरयानी। हाँ वेज बिरयानी में पनीर डलवा रहा है आदमी। मेरी में भी डलवा दो यार, फिर मैं भी खा ले रहा हूँ। किसकी? कौन? तो वो रोनाल्डो भी तो है। नहीं तुम्हारी क्लीन शेव में ज्यादा व्यूज आएंगे। एक मेरी बंदे वाली एनिमल पार्ट 2 बन रही है, एनिमल पार्क बना रहा हूं। एक ही एनिमल क्या देख के आ गया है भाई? इसके ब्लॉग में अर्जुन वेली चलता रहेगा या अबरार एंट्री चलेगा? एनिमल पार्क में मैं अपनी बियर्ड बना रहा हूं गाइस। तो अब वहां पे एनिमल के केयर टेकर बनेगा। एनिमल के बच्चे का केयर टेकर बनूंगा मैं। सही कह रहा है बेटा। तो दिव्यांश भाई सारा मैंने ऑर्डर कर देते हैं फिर आज। ऑर्डर करो भाई। गोल्डी बाय दिस साइड। गोल्डी बाय दिस साइड। भाई आज बहुत गंदी सुस्ती चढ़ रही है, पता है? नींद आ रही है मेरे को गंदी वाली। लेकिन क्या करो यार, आज सैटरडे है ना, वीकेंड है, तो वीकेंड पे भी हम थोड़ा बाहर चिल करेंगे। मस्त है, मेरी भी आने वाली है और इसकी भी राजमा चावल आ चुके हैं। क्या आने वाली है? अरे बिरयानी यार भाई, वेज बिरयानी यार। मेरी लाइफ में कोई नहीं आ रहा यार, कुछ नहीं आ रहा। हाँ नहीं बिल्कुल ना हो मेरी शादी भाई। गरीब की थाली से छीनते हैं भाई। मेरा रायता छीन लिया यार इसने। चल तू खा ले तू भाई अपना, मेरे लिए बहुत रायता आज आ गया रायता। तो भाई अपना खाना पीना हो चुका है, एकदम फर्स्ट क्लास, पेट भर चुका है। और ये यहाँ पे पैक कराया इसने कुछ शायद। सर क्या ले रहे हो? ऐसे रखता हूँ, पैसे ही नहीं है भाई, ऐसे रहते हैं मेरे पास पैसे। देख गरीब आदमी। गरीब आदमी हूँ मैं। सर कौन से ले रहे हो? अरे खा लेंगे। दिव्यांश भाई एक चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हो मैंने सुना है। तो सर यार आज मुझे चॉकलेट नहीं खिला रहे हो तुम, आज ये बात हो गई? आज चॉकलेट नहीं खिला रहे हो मुझे, ये बात पहले बता दो। देख रहा है दिव्यांश आज ऐसी बात हो गई? इसकी हालत देखो क्या हुआ, क्या हो गया? अबे क्या हो गया भाई? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? तो भाई दिव्यांश का फोन नहीं मिल रहा है गाड़ी में, और फोन ढूंढ रहे हैं हम गाड़ी में। यार ये इसने एक दिन पहले भी ऐसे घूम किया था, आज तो सीरियसली यार मजाक नहीं। क्या भाई यार तू देख ले कहां गया, बहुत असर था बेटे राजमा चावल खाते हुए। भाई मेरे ना एकदम विकेट गिर चुके हैं बस। तो भाई मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्यार देता रहो। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है? और मेरे दूसरे चैनल पे नए नए वीडियो आ रहे हैं तो यार उन्हें भी जाकर देख लेना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो जल्दी से जाओ बाकी चैनल्स पे मेरे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय। और भाई दूसरी वीडियो ये है, मैंने कॉपीराइट की वजह से, मतलब अभी कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैं ऑडियो म्यूट कर दे रहा हूँ। आप देखो ये आएगी मेरे चैनल अंशुल रस्तोगी म्यूजिक पे, ठीक है? और शायद तब तक आ भी चुकी होगी अगर जब तक ये व्लॉग आएगा, तो प्लीज़ जाके देख लेना, ठीक है? पूरा वीडियो चेक कर लेना, तुम्हारा भाई स्मार्ट लग रहा है इसमें, ये देखो। और मेरे चैनल पे जाके चेक कर लेना भाई, मैंने KGF 3 का भी ट्रेलर बना के डाल रखा है। देखो ये भाई क्या बनाया है तुम्हारे भाई ने एकदम, ये देख लो नाम भी आ रहा है।